नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बालिया, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी। समाज के बीच में दो शब्द रखना चाहता, जिस सरकार में शिक्षा चिकित्सा न्याय असुरक्षित हो वहां समाज और देश सुरक्षित कैसे। अगर देश और समाज की सुरक्षा चाहते हैं, शिक्षा चिकित्सा न्याय की सुरक्षा चाहते हैं और रामराज्य लाना चाहते हैं और दलितों पर हो रहे अत्याचार, झुग्गी झोपड़ी जो उजाड़ी जा रही है इससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार लानी होगी और भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी और राजेश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, समाज के बीच में ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में शिक्षा चिकित्सा न्याय सुरक्षित नहीं है वहाँ समाज और देश सुरक्षित कैसे। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिस देश में माँ बेटी के जलने के बाद, बुलडोजर चलने के बाद, दलितों के साथ शोषण होने के बाद बीजेपी के नेता ताली बजाते हों, हंसी उड़ाते हों और आनंद लेते हों, उस पार्टी से उम्मीद क्या की जा सकती है। आज हमारे कानपुर में बेटी माँ एक साथ जला दी गई, बुलडोजर चलता रहा, लोग हंसते रहे, तालियां बजाते रहे। उसी तरह हमारे लखनऊ में एक छात्रा के साथ दो दोस्तों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया और वीडियो भी बना दिया। तरह तरह के घटनाएं रोज घट रही हैं। शिक्षा चिकित्सा न्याय असुरक्षित है, बेटियां असुरक्षित हैं, माताएं असुरक्षित हैं, रोजगार असुरक्षित है, शिक्षा असुरक्षित है, हमारा महंगाई बढ़ती जा रही है, समाज दुख और दर्द से कर्राह रहा है, फिर भी हम लोग जगने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सब लोगों को इससे निजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनानी और भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी और डॉक्टर राजेश कुमार जी के हाथों को मजबूत करना होगा, तभी हमारा शिक्षा चिकित्सा न्याय सुरक्षित होगा, तब हमारा देश और समाज सुरक्षित होगा और हमारा शूद्र बिरादरी, हमारा दलित बिरादरी सुरक्षित होगा। नहीं तो असुरक्षा ही असुरक्षा है। यहाँ राम राज नहीं, रावण राज की स्थापना हो गई है, रावण राज की स्थापना हो गई है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। इसे बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा।